गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 2 द सुनामी। पिछले 2 वीडियो में अपने इस लेसन को पढ़ रहे थे, जिसमें अपने सुनामी से रिलेटेड स्टोरियां पढ़ी, चाहे वो इग्नेसिस की हो, चाहे वो मैग्ना की हो या फिर अलमास जावेद की हो। अब अपने एक यूके की ब्रिटिश स्कूल गर्ल की लड़की की कहानी पढ़ रहे हैं, जो कि पुकेट आइलैंड पर अपनी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए परिवार सहित आई हुई है। वो वहाँ पे क्या देखती है, क्या घटित होता है, वो सब अपने इसमें पढ़ने जा रही है। तो लेट्स स्टार्ट, उसे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा अपनी बुक में पेज नंबर 29, सॉरी पेज नंबर 27, जहाँ आपने छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। 28 के स्टार्ट में, लेसन नंबर 2 पेज नंबर 28 के स्टार्ट, शुरू से। तो देखिए लिखा हुआ है, बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग, यानी कि उसकी माँ बोलते हुए बताती है कि मुझे उसका कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन वो कहती है कि टिली स्मिथ ने अनुभव किया, महसूस किया कि कुछ गलत होने वाला था। बट टिली स्मिथ सेंस्ड का मतलब महसूस किया, उसे लगा दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ तो गलत था। हर माइंड कैप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली। और वो बताती है कि उसका दिमाग उसके 2 सप्ताह पूर्व अपने स्कूल में पढ़े हुए उस भूगोल के पाठ की तरफ गया, जो कि उसने थाईलैंड से अपने परिवार के साथ उड़ने से 2 सप्ताह पहले ही पढ़ा था। यानी कि वो बताती है कि टिली स्मिथ, जिसने कि यहाँ थाईलैंड से उड़ने से 2 सप्ताह पहले एक भूगोल का लेसन पढ़ा था, उस लेसन की तरफ उसका ध्यान चला गया। टिली सादा सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फ्रॉम वेपल्स। उसके बाद में बताती है, टिली ने देखा कि सागर है वो धीमे धीमे उठ रहा है, उसमें जाग बनने स्टार्ट हो चुके हैं, बुलबुले और भंवर बन रहे थे। यानी कि टिली स्मिथ देखती है कि जो सागर का पानी है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, उसमें बुलबुले बन रहे हैं, उसमें जाग बन रहे हैं, उसमें भंवर बन रहे हैं। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन ए वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट द हेवन आइलैंड इन 1946। उसे याद आया कि उसने अपनी क्लास में एक वीडियो देखा था, एक चलचित्र सुनामी के बारे में देखा था, जो कि 1946 में हेवान द्वीप से टकराई थी। यानी कि किसे याद आता है, टिली स्मिथ को याद आता है कि उसने स्कूल में एक वीडियो देखा था, जिसमें उसने ये देखा था कि किस तरह से 1946 में हवाइन द्वीप है उससे सुनामी टकराई थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी क्विट बाई अर्थक्वेक्स वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। उनके भूगोल के अध्यापक ने उनकी कक्षा को वीडियो में दिखाया था और बताया था कि सुनामी है वो भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन के कारण उत्पन्न हो सकती है। यानी कि उसे वो याद आता है कक्षा में पढ़ा हुआ लेसन, वो दिखाया हुआ वीडियो कि जो सुनामी है उसके उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो वो बताती है कि उनके अध्यापक ने उन्हें बताया था कि या तो भूकंप की वजह से या फिर भूस्खलन की वजह से, लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन, वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी, ज्वालामुखियों की वजह से भूकंप ये सुनामी है वो उत्पन्न होती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच।
टिली ने अपने परिवार के लिए उस तट को छोड़ने के लिए चीखना शुरू किया। यानी कि टिली स्मिथ, जैसे उसे ये महसूस होता है कि कुछ गलत होने जा रहा है, कुछ बुरा होने वाला है, तो वो अपने परिवार को बचाने के लिए वहाँ से गेट ऑफ हटाने के लिए जोर जोर से चीखती है। उसके बाद में शी टॉक्ड अबाउट, उसकी माँ बता रही है ये कहानी, शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने सागर के नीचे एक भूकंप के बारे में बात की। सी गोट मोर एंड मोर हाइस्ट्रिकल, वह अधिक से अधिक उत्तेजित हो रही थी। हाइस्ट्रिकल का मतलब होता है कि इधर उधर का कुछ भी ज्ञान नहीं रहना, किसी भी चीज़ अन्य चीज़ को भूल कर एकदम से जिस जो कुछ घटित होने वाला है उसी की तरफ ध्यान लगाते हुए जोर जोर से चिल्लाना और चीखना। सेड हर मदर पेनी, उसकी माँ पेनी ने बताया, कहा, उसकी माँ ने कहा कि उस समय वो एक तरह से एक गूंगे की तरह, एक किसी डर से, जो एक बहुत अधिक भय से व्यक्ति की हालत होती है, उसी हालत में बार बार वो चीखती जा रही थी। और वो क्या कह रही थी, आई डिडेंट नो वट ए सुनामी वाज। और उसके बाद में उसकी माँ बताती कि मैं नहीं जानती थी कि सुनामी क्या थी, कि सुनामी होती क्या है, मुझे नहीं पता था। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। और वो कहती है, परंतु अपनी पुत्री को इतना अधिक भयभीत देखकर मैंने सोचा कि कुछ तो अवश्य गंभीर घटित होने जा रहा है। और उसने कहा कि मैं सुनामी के बारे में तो नहीं जानती थी, वो जो उस सागर में भूकंप की जो बात कर रही थी उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी लड़की को बहुत अधिक भयभीत देखा तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ न कुछ बुरा घटित अवश्य होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। और वो बताती हैं कि टिली के माता पिता उसे, किसे, टिली को और उसकी बहन को उस तट से दूर स्विमिंग पूल के होटल लेकर गए, एक होटल में लेके जाते हैं। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और बहुत अधिक पर्यटकों ने भी उनके साथ साथ उस तट को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और तब ऐसा लग रहा था कि मानो संपूर्ण सागर उनके पीछे पीछे आ रहा था। यानी कि जिस तरह से उन्होंने महसूस किया उस टिली स्मिथ की वजह से, जिसने बहुत सी जिंदगियां बचाई, और वो जाने लगे तो दूसरे पर्यटक भी उनके साथ साथ जाने लगे, और उसी दौरान सागर के अंदर सुनामी आती है और पानी भी उनके पीछे पीछे इस तरह से जाता है, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी उनका पीछा करते हुए जा रहा है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और उसके मन में वो बताती है कि मैं चीख रही थी कि दौड़ो दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, और वो बताते हैं कि हमारे परिवार ने होटल के तीसरे मंजिल पर शरण या आश्रय लिया। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, और वो बताती हैं कि वह होटल की बिल्डिंग, वह होटल की इमारत सुनामी की 3 शक्तिशाली लहरों के साथ भी खड़ी रही, विद स्टूड, सहन करते रही उन थपेड़ों को, सर्ज लहर जो थी उसके जो थपेड़े थे। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, और उसके बाद में वो कहती है कि यदि वे उस समय बीच पर रुके होते तो वे अब जीवित नहीं बचे होते। यानी कि अगर ऐसा होता कि वो उसे सेंस नहीं करती, हमें उसके बारे में चेतावनी नहीं देती, हम वहाँ से नहीं हटते, वो पर्यटक हमारे साथ वहाँ से नहीं हटते, तो इस समय वे जीवित नहीं होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। स्मिथ्स का मतलब है स्मिथ परिवार। वह स्मिथ परिवार बाद में अन्य पर्यटकों से मिला जिन्होंने अपने संपूर्ण परिवार को सुनामी में खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फॉरवर्ड। उसके बाद में कहते हैं कि टिली और उसके उस भूगोल के अध्यापक को धन्यवाद जिन्होंने पहले से ही सभी को सचेत किया, चेतावनी दी। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल्स। टिली वापिस इंग्लैंड में अपने विद्यालय में जाती है और अपने कक्षा सहपाठियों और अन्य लोगों को उस भयानक कहानी के बारे में बताती है। आगे कॉम्प्रिहेंशन चेक
आंसर द फॉलोइंग इन ए फ्रेज और सेंटेंस, या तो एक शब्दांश में या एक वाक्य के अंदर इसके आंसर देने हैं। वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, टिली का परिवार थाईलैंड क्यों आया था, अभी अपने इसमें पढ़ा है कि वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए थाईलैंड आए थे, तो टू सेलिब्रेट द क्रिसमस। व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सॉ, टिली और उसकी माँ ने दोनों ने जो चेतावनी के संकेत देखे वे क्या थे, अभी अभी अपने पढ़ के आए थे कि सागर का पानी है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, उसमें बुलबुले बन रहे थे, जाग बन रहे थे और भंवर बन रहे थे। डू यू थिंक टिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाय देम, क्या तुम सोचते हो कि टिली की माँ है वो उन संकेतों के द्वारा सचेत हुई थी, ऐसा था क्या? नहीं, उसे तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं था, लेकिन वो तो किसके द्वारा अलार्म्ड हुई थी, अपनी ही डॉटर टिली के द्वारा। वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन, इसी सम्मान अजीब तरीके से सागर को व्यवहार करते हुए टिली ने कहाँ देखा था, कहाँ देखा था? अभी अभी पढ़ा था अपने, उसने अपनी क्लास में एक वीडियो के माध्यम से 1946 की सुनामी के बारे में, जो कि हैवान द्वीप है उससे टकराई थी, उसे देखा था। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, स्मिथ परिवार और अन्य पर्यटक उस तट से अपने बचाव, सुनामी से बचाव के लिए कहाँ गए थे? तो अभी अभी अपने पीछे के पैराग्राफ में पढ़ा है कि वो एक होटल पे जाकर थर्ड फ्लोर पे रहते हैं। हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट, तुम क्या सोचते हो कि उस भूगोल के अध्यापक ने कैसा महसूस किया होगा जब उसने फुकेट के अंदर टिली के द्वारा किए गए उस साहसिक कार्य के बारे में सुना होगा। ही फेल्ट प्राउड, उसने गर्व महसूस किया था। आगे है थर्ड नंबर, लुक केयरफुली एट द इमेज पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड और फ्रेज, एक लड़के और उसके कुत्ते की जो तस्वीर दी हुई है उसे सावधानीपूर्वक देखो और जो कुछ तुम उसमें देखते हो उसके बारे में बताने की कोशिश करो। उसके लिए आप या तो एक वाक्यांश चुन सकती हो या फिर किसी एक सेंटेंस का यूज कर सकते हो। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेज ऑन द ब्लैक बोर्ड, या तो अध्यापक या आप में से कोई एक विद्यार्थी उससे रिलेटेड शब्द या फ्रेज वाक्यांश जो है वो ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और उसको अपने करके दिखाया कि किस तरह से आप कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट, तुम कैसे उसको शुरू कर सकते हो, जैसे काम, ब्लू सी, उसके बाद में आगे आप क्या लिखते हो, रुइंड हर्ट्स यानी कि शांत नीला सागर था, उसके अलावा उसने किस तरह से झोंपड़ियों को बर्बाद किया, इस तरह से। तो अपने को यहाँ पे थर्ड स्टोरी स्टार्ट होती है, बिफोर द जायंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सेम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, विशाल या दैत्यकार समुद्री लहरें जो भारत और श्रीलंका के तट से टकराई, जंगली और घरेलू जानवर, ऐसा प्रतीत हुआ कि वो समझ गए थे क्या कुछ घटित होने वाला था। दे फ्लैड टू सेफ्टी, फ्लैड टू भाग जाना, रन अवे, वे अपने सुरक्षित स्थानों के लिए भागे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, साक्ष्य या सबूतों के आधार पर हाथी चीखे और वे ऊंची भूमि की तरफ भागे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और कुत्तों ने बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लेमिंगोज अमेंडेड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और फ्लेमिंगो नामक पक्षी जो होता है उसने अपने जो निमन क्षेत्र, प्रजनन के निमन क्षेत्र है उनको छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी इंटाइस्ड टू कम बैक आउट, और चिड़ियाघर के जानवर अपने शरण की तरफ भागे और उन्हें वापस बाहर आने के लिए नहीं ललचाया जा सका।
आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।